कर ही रही हूँ कि हो गया है. बट यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इन्होंने गाया है तो आप इनसे पूछिए. सॉन्ग नहीं है, बेबी है मेरा, उसको वैसे ही रखा है और स्वीट है, जो नेचुरल मेलोडी होती है वही आपको दिखा रहे हैं और वैसे ही है ताकि आपके चेहरे पे स्माइल आए, जो देखे उसके ऊपर स्माइल आए और कुछ नहीं, सिंपल एंड साइमन. साथ में शी इज़ माई सिस्टर नेहा मल्होत्रा, उसने फीमेल लिरिक्स और जो पूरा फीमेल वर्स है उसने गाया हुआ है. जी सी दिस इज़ माई सेकेंड सॉन्ग और मैंने बहुत आई हैव बीन वेरी पिकी अबाउट ऑल माई सॉन्ग्स एंड द ओनली रीज़न आई टुक दिस सॉन्ग वॉज बिकॉज इनकी आवाज़ फर्स्टली बहुत अच्छी है एंड द सॉन्ग इज़ वेरी स्वीट. यू नो आजकल जितने भी गाने मोस्टली बने दे ऑल वेरी पेप्टअप एंड यू नो वेरी बहुत ज़्यादा दी हो दे आर टू लाउड एंड दिस वॉज लाइक अ स्वीट एंड अ सॉफ्ट नंबर सो विच वॉज अ लिटल डिफरेंट. तो इसलिए मुझे वही एक चीज़ है जो अट्रैक्ट की थी जब मुझे गाना ऑफर किया गया. सीख ये ट्रेंड अभी चल रहा है तो आई वुडेंट से कि मतलब कि ट्रेंड एकदम चेंज हो गया, ट्रेंड चल रहा है. ऐसा नहीं है कि सॉन्ग्स आ गए तो अब सिर्फ सॉन्ग्स ही चलेंगे बिकॉज बॉलीवुड और टेलीविज़न सालों से रहे, गाने आते जाते रहते हैं फिर बॉलीवुड और टेलीविज़न सालों से है. बट हाँ अभी ये ट्रेंड चल रहा है एंड आई थिंक सभी को इस ट्रेंड का फ़ायदा अभी उठाना चाहिए. मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं मुझसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखने नहीं होता है. इन दोनों से पूछिए कौन है टाइम मिलता है देख रहे हैं. सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद आ रहा है सबको. हाँ जी हाँ जी हम कायरो पे अपना लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे कायरो का भी लॉन्च है तो हम एक लेजेंड बनने के जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ हमारा वेंचर है एक प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे लॉन्च हो रहा है और हमारे प्रोजेक्ट का भी लॉन्च हो रहा है दोनों के लिए. इट्स अ न्यू बिगनिंग. सी बचपन से मेरा पूरा जो फैमिली है मेरी पूरी फैमिली गाती है, सबको मतलब सब इंजॉय करते हैं, मेरी सिस्टर मेरे डैड सब, तो जीन्स में ऑटोमेटिकली आ गया है एंड म्यूज़िक इज़ माई थेरेपी. तो आप जब गाना सुनेंगे आपको वैसी ही एक वाइब आएगी. जो बंदा है अगर आप कैमरा के सामने मुझे वीडियो में देखेंगे आई एम नॉट एक्टिंग, जो फीलिंग मेरे अंदर है अगर स्माइल है तो वही आ रही है क्योंकि लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं तो स्माइल का मोमेंट आपको मिलेगा वहाँ पर. हाँ जी मेरे सॉन्ग्स हैं आगे वही आ रहे हैं, रीम से भी मेरी वही बात चल रही है, वैसे ही स्वीट वाले सॉन्ग्स हैं. हम लोग मैं जो चाहता हूँ पर्सनली मैं मेलोडी को वापस लेके आना चाहता हूँ. जो भी रीम ने बात बोली थी कि वी आर सीइंग ऑल द पेपी नंबर्स नाउअडेज, आई लव बादशाह आई लव हनी सिंह सब मुझे बहुत पसंद है, बट डांस करने के लिए जब मुझे चाहिए पीस, जब मुझे चाहिए थेरेपी तो मुझे एक शांत गाना चाहिए जिसको मैं देख के सुन के स्माइल करूँ. बिल्कुल गा सकते हैं हम लोग, रीम है उसके लिए तो मैंने मतलब साथ में एनएक्ट के लिए ही गाना, मुझे गाने नहीं बोलना. गा सकते हैं आप बोल सकते हैं बहुत सारे जैसे आपने लिखा है जैसे आपने. हाँ जी बिल्कुल. तेरी याद सताती है जब तू दूर जाती है, तेरे प्यार का नजराना आंखों से पिलाती है. स्वीट सॉन्ग है, बाकी आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा. थैंक यू. सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू. ओके मुंबई में वी आर लॉन्चिंग, टुडे इज आर ग्रैंड ओपनिंग एंड दिस इज आर सेकेंड क्लब. ओके द फर्स्ट वन इज इन इंदौर, दिस इज द सेकेंड क्लब है. तो कायरो विल मतलब ट्रस्ट मी इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन मुंबई. Okay, it will be one of the most happening place in Mumbai and the ambience is fantastically good here. And thank you so much for giving us this beautiful place hamare gaane ke launch ke liye and yes I will come for clubbing as well very soon. Thank you. We also like to congratulate both of you for your new album. Thank you. Chalein. यहाँ पर अलग एम्बियंस किया हम लोगों ने, यहाँ पर अलग फूड मेनू किया हम लोगों ने और यहाँ पर अलग ऑफर्स किया हम लोगों ने. वी हैव ऑफर्स फॉर एवरीवन.
we have fantastically good offers for everyone. Abhay, he's our general manager. Okay. I'll also like to introduce Abhay to you all. All about Cairo. Cairo, the word is derived from Hebrew God. And keeping that name, the 3 years back, we launched our Cairo in Indore. Indore is our prime hub, where we started our journey, and this is our second launch. And as in Mumbai, that if you want to be a god, then you have to be in Mumbai. So we are here in Mumbai, and we know the culture, we know the taste, we know the ambience, what they are looking for. In Suburb, one of the best club is coming. Stay tuned. Our projector will tell you about the more story about that, where the Cairo will go. Good evening, everyone. And I would like to congratulate Keshav Malhotra and Rim Sheikh. Thank you. As Abhay said, in Indore, it was our first place and we started our journey, and Mumbai is our second place. Soon we are going to launch in multiple cities like Pune, then it will come in Ahmedabad, Calcutta, and in future, by God's grace, let's see. हम लोग ओवरसीज भी कर सकते हैं. Yes, we'll go international hopefully. Yeah. अच्छा रिम, देखा जाए तो आपके कितने भी फ्रेंड्स के या किसी भी सिंगल से आए फ्रेंड्स के, काफी बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है, आज कौन कौन एक्सेप्टेड है थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए वी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जितने भी हैं, हम सब पिछले 10 साल से दोस्त हैं एक दूसरे को. पिछले 10 साल से वी हैव सीन ईच अदर ग्रो, और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. देन आई एम श्योर दैट आज भी सब आएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए. Thank you. Just a minute. I just also like to introduce Mr. Mahesh Gupta. He's not right now. He's not present here. He's the president here for the Cairo. And as correctly said by Rufina, soon we'll be. This year we are planning around 6 to 7 outlets across India. And one thing best for Mumbai, and I promise this to our Mumbai crowd, is ki all our members here will have exclusive offers in all our outlets across India. Thank you. Very happy. Aaj subah hi Swag Salamat bhi launch hua hai, and now it's Green Song. So I'm really happy for her. Yeah, here it is, Teri Aankhe. And she is looking pretty as usual, and I'm really happy for her. And I'm really happy for the fact ki hum dono ka song same day pe launch hua hai. Mere preview party kal thi, iski launch party aaj hai. So yeah, I guess I would call this besties goals. वेल आई गेस जो लोग डेली सोप्स कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एज वी शूट फॉर 12 आवर्स, प्लस उसके बाद अगर कोई रिहर्सल्स होती हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होते हैं, पैकअप के बाद होते हैं, एंड देन वी हैव टू टेक अ डे और डेज ऑफ. एंड ये भी होता है कि उसी दिन में कम्प्लीट करना होता है हमें, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, एज हमें अपने शो के लिए भी शूट करना होता है. सो इट इज़ अ बिट हेक्टिक, इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट जब वो फ्रूटफुल होता है तो सारी थकान खुद ही निकल जाती है. मैनेज ऐसे होता है कि जैसे अब मेरा डांस वाला सॉन्ग था स्वाग सलामत, सो उसके लिए आई यूज़ टू गो फॉर रिहर्सल्स आफ्टर माई पैकअप, टू 12 आवर्स शूट करके फिर पैकअप के बाद जाकर आई यूज़ टू रिहर्स. तो 2 दिन रिहर्स किया मैंने, उसके बाद 30 वी वर ऑन फ्लोर शूटिंग. एंड मेरी गलती भी, हमने दुबई में शूट किया था जो अभी 3 नवंबर को आने वाला है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. उस दिन हसनैन का बर्थडे भी है, so it's going to be like a double celebration, and I'm really looking forward to it as it's going to be my first project with Ramji sir, so I'm super duper excited. Ramji sir ko bol sakte hain trending hi aa raha hai unka jo bhi song hai, sab mein sab mein ye bhi trending mein jayega song, kya kiya hua hai wo kehte hain ki kis tarah ka song bol sakta hai. Fingers crossed trending mein jayega, and we're all hoping for the best ki hamari hard work pay off ho. जैसे आप गाने के नाम से ही थोड़ा मेकआउट कर सकते हैं, इट्स अ सैड सॉन्ग. स्टोरी होने वाली है इसमें, दैट्स फीचरिंग मी एंड हसनैन. इट्स बीन संग बाय अंबिली दी, अंबिली मेनन, एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल सिंगर.
अ सोलफुल सिंगर. तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये जो स्टोरी है एंड मेरा जो हसनैन का पैर भी है, दिस इज़ क्वाइट फ्रेश. किसी ने इमेजिन नहीं किया था, हम दोनों ने भी इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज वी मेट ईच अदर ऑन द शूट ओनली. उससे पहले हम कभी मिले भी नहीं हैं. बट टचवुड केमिस्ट्री अच्छी आई है, बिकॉज आई गेस आई वुड से दिस इज़ आर एक्टिंग टैलेंट, बोथ ऑफ आर एक्टिंग टैलेंट की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी आई है. मैंने देखा है वीडियो एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा व्हेन इट रिलीज़ेस ऑन 3rd November. थैंक यू. ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं आपको कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. क्या कहने चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत प्यार दे रहे हैं. एंड आई थिंक दिस ईयर टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस हमारे जितने भी गाने थे नंबर वन पे आए. एंड बाकी ऑल अदर सॉन्ग्स ऑल्सो जो हमने नहीं किए वीडियो किए वो भी ट्रेंडिंग पे थे, भले नंबर वन नहीं थे, बट 4 songs दिस ईयर बीन नंबर वन. एंड आई प्रे कि ये वापस 3 तारीख को आ रहा है अश्नूर के साथ, मेरी गलती, वो फिर से आप उसको प्यार दें. एंड एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन ट्रेंडिंग. मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के दिल पे ट्रेंड करें, लोग गाने से प्यार करें, हम सबसे प्यार करें, वही सबसे बड़ी ट्रेंडिंग, वही सबसे बड़ा अवार्ड और वही सब कुछ है हमारे लिए. जब तक लोग दिल से प्यार ना करेंगे, दिल पे ट्रेंडिंग नहीं जाएगा, तब तक वो ट्रेंडिंग पे भी नहीं आएगा यूट्यूब पे. ये बात भी सही है. वेरी ट्रू. यस यस यस. दिस इज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इतना प्यार दे रहे हैं और एवरी डे द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. लोग इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं, इतने सारे टिकटॉक्स बना रहे हैं. एंड वी वर शॉक्ड कि हमें मेरी गलती के टीज़र पे एक दिन पे यू नो वी हैव मोर देन 1 million व्यूवर्स, जो एक टीज़र पे बहुत ही बड़ा नंबर है और इतना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे रहे हैं. सो बहुत अच्छा लग रहा है. बोल सकते हैं कि जन्नत और फैजू की फेवरेट जोड़ी है. हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अमित के साथ में, आप तो किसके साथ में? सॉरी, अश्नूर. अश्नूर में अश्नूर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है. शी इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई लव वर्किंग विद हर. और ये इतनी डेडिकेटेड डेडिकेशन से काम करते हैं. यू सी शी डूइंग पटियाला वेव्स, 12 की शिफ्ट है, तो भी इन्होंने आज जो गाना किया स्वैग सलामत, शी पुट हर हार्ट आउट इनटू इट. शी इज़ लुकिंग फैबुलस, शी इज़ डांसिंग विद एक्सप्रेशन, शी इज़ अ पेपी बबली, शी इज़ एन ओवरऑल पैकेज. और मेरी गलती में आप इनका एक दूसरा अवतार देखेंगे, जो आपने टीजर में देखा उसे समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट द स्टोरी लुक्स लाइक. तो आई थिंक अश्नूर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड फॉर म्यूजिक वीडियोस. क्या मैं समझ, क्या प्रॉब्लम? दुबई में इट्स रियली रियली हॉट. जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं जो हम इस सीज़न में करके आए हैं, जो आप खड़े नहीं हो पाओगे उस गर्मी में, और उस गर्मी में ये एक्टर्स हमारे साथ शूट करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी हु शॉट विद अस. हाँ, कितना हेल्प मिला एक्टर्स? No, no, I would want to say not only us, but this was my first project with Ramji sir, and he was so caring throughout. We actually didn't feel जैसे हम पहली बार काम कर रहे हैं साथ में. It actually felt like a family working with him, and he's really caring. He's really caring towards his actors, towards his entire team. So I had a great time working, and I hope जितना हमने hard work किया है, चाहे गर्मी में किया हो, जैसे भी किया हो, दौड़ भाग के जैसे भी किया हो हमने, आई होप आप लोग उतना ही प्यार दें. सो इट बी ऑल गुड. अश्नूर, आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सो आई एम वेयरिंग मिराकी कठूर एंड आई एम बीइंग स्टाइल्ड बाय सृष्टि मुंगा एंड आई एम टोटली पार्टी रेडी ड्रेस्ड इन ब्लैक टुडे विद माय हेयर टाइड अप बिकॉज़ आई एम रेडी टू डांस. ओके, थैंक यू. वन जनरल सेंटर लुक मैम. आप लोग टचवुड शो आने के बाद से काफी फॉलोअर्स एंड लोग प्यार बढ़ रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. कंग्रेचुलेशंस टू रीम यार. रीम हैज़ बीन अ फ्रेंड सिंस आई थिंक 2 years नाउ, जब से राब्ता शुरू हुआ था. मैं उसको जानती हूँ एंड मे गॉड ब्लेस हर, शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर एंड आई थिंक अच्छा कर ही रही है एंड आगे भी बहुत अच्छा करे. करण बताया था सिंगल्स. हाँ, बस यही है, आजकल इतने सारे सॉन्ग्स निकल रहे हैं एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया. आप देख रहे हो कि इतनी सारी इंडिपेंडेंट कंपनीज नए नए सिंगल्स निकाल रही है इन सब फेमस लोगों को लेके, तो बहुत अच्छा है, सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है. Yes. तो अच्छी चीज़ है. एंड आई लव सिंगल्स यार इन जनरल. मतलब पूरी एल्बम लगा के अब कौन ही सुनता है. सो आई थिंक जो सिंगल पसंद आता है वो ऑन लूप चलता रहता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग. अगर आपको चांस मिले
आई थिंक मैंने किया है करण के साथ सॉन्ग खेला है. आई लव सैड सॉन्ग्स ऑनेस्टली क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत पसंद है सैड रोमांटिक सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स बेसिकली. सो आई थिंक अदिति रोती बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रोने वाला सीन बहुत अच्छे से करती है. यस एंड देन अभी पंजाबी मैंने एक और सॉन्ग किया था नान अरनीत के साथ तो आई थिंक डांस भी मैंने ट्राई कर लिया. सो आई थिंक मुझे सब टाइप के चलते हैं बट आई लव रोमांटिक पर्सनली. वेब सीरीज का अभी तो टाइम नहीं है बट शो इन फ्यूचर. हाल फिलहाल मेरा ध्यान पूरा कि पूरा ये जादू है जिनका पे ही है एंड टाइम मिलेगा तो ज़रूर वेब सीरीज मूवीज. आगे फ्यूचर बहुत बड़ा है सो लेट्स सी. थैंक यू. यार द होल सोल रीज़न मी बीइंग हियर इज़ बिकॉज ऑफ रीम समीर शेख और मेरी को एक्ट्रेस है मेरी हीरोइन है मेरे शो में हो तो उससे रब्ता हूँ और आई एम ग्लैड शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट. और उसका ये दूसरा सॉन्ग है अभी रिसेंट उसका एक और सॉन्ग आया था और ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है एंड आई एम हैप्पी दैट शी इज़ डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब. शी इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर. इतनी यंग एज में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे ऐसे ही चलता जाएगा और सिलसिला बंधा रहेगा उसका. आई थिंक एक रब्ता जो हमारे शो से रिलेटेड है वो ऑफ स्क्रीन भी है और आप सब लोग हमारे सेट पे आते हैं आपने देखा ही होगा हमारी केमिस्ट्री कैसी है और ऑफ स्क्रीन भी एक केमिस्ट्री है एक बहुत क्लोज कनेक्ट है. आई हैव अ फीलिंग कि शो बंद होने के बाद भी जो दोस्ती है ये बरकरार रहेगी और आई वॉन्ट टू मेनटेन दिस रिलेशनशिप विद दिस गर्ल. शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड एंड पूरी फैमिली अच्छी है. इनफैक्ट द फादर इनफैक्ट द मदर जो यूजुअली आते हैं सेट पे तो एक एक हम सब का आपस में मेरा शगुन का रीम का रजत का हम सब का एक रब्ता हो गया है. पूर्वा का जो माई प्ले करती है हम सब का एक कनेक्शन हो गया एक फैमिली बन चुकी है तो वन ऑफ द रीज़न हम सब लोग इसलिए रीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए भी हैं. अच्छा लगेगा बहुत. टू बी ऑनेस्ट हमारे शो में हर दूसरे तीसरे दिन एक सॉन्ग आ जाता है मेरा और रीम का रोमांटिक सॉन्ग आ जाता है. कोई ना कोई सॉन्ग लेके वो हमारे शो में डाल देते हैं जब हमारा रोमांटिक सीन चल रहा होता है. तो इन अ वे भी एक वीक में एक सॉन्ग हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो हाँ. बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम टीवी शो अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग्स एक एल्बम अलग से करेंगे तो इट वुड बी फन आई थिंक. इन अ डिफरेंट जोन इन अ डिफरेंट लाइट अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे प्रॉब्ली तो मज़ा आएगा. इट वुड बी डिफरेंट. थैंक यू. एक्साइटेड बिकॉज वेरी डियर फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड रीम इज डूइंग वेल एंड ग्रेट चॉइस म्यूजिक एंड आई होप this brings more opportunity and more luck for I think wo jis umar mein is waqt unko bolne ki bahut samajh hai unko decision making ki bahut samajh hai probably jo unki umar mein baki bacche hain unko idea nahi hota ki wo apni life mein kya kar rahe hain lekin reem bahut samajhdar hai unhe pata hai kitna bolna hai jo लाइक मुझे तो बहुत देर में समझ में आया जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ. और प्रोफेशनल इतनी है इवन जो हमारे सेट पर जितने टेक्नीशियंस हैं वो उनको रीम जी मान के बुलाते हैं बिकॉज शी नोज़ एवरी लिटिल थिंग क्या एंगल क्या लाइटिंग क्या स्क्रिप्ट क्या डायलॉग. सो शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड एंड देन शी वर्क्स हार्ड एज वेल. जी जी आई थिंक प्रॉब्लम हमारे लीड्स बहुत बहुत ही बेहतरीन है. सहबान है रीम है उनकी केमिस्ट्री बहुत. आई गेट टू प्ले अ नेगेटिव एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स ऑन द शो. प्लस हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे क्रिएटिव ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग प्रोडक्शन एंड आर्टिस्ट प्लस टेक्नीशियंस. सो और हमें फ्री प्लेटर देते हैं कि आप अपने कैनवस पे जो बनाना चाहें आप वो बनाएं हम आपको बांधेंगे नहीं. और जहाँ पर जब बैटिंग करने का मौका मिलता है और हमारे सहबान रीम पूर्वा जी हैं बाकी जितने आर्टिस्ट हैं मिलन जी जितने सीनियर फ्रीली खेलने का मौका मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन होता है. हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं रोज़ जाकर एक साथ कॉम्बिनेशन सीन्स करने के और जो भी इंडिविजुअल सीन्स. थैंक यू सो मच. ओके और आज एक गाना भी लॉन्च है कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सिर्फ इनको बधाई देने आया हूँ शुभकामनाएँ देने के लिए
क्योंकि म्यूज़िक लॉन्च और ये सब जो है हमने अपने ज़माने में बहुत देखे थे, लेकिन आज के ज़माने में जो ये बच्चे लोग हैं जिसका मैं अभी बाहर से कॉन्फिडेंस देख रहा था, मैंने कहा यार हम इस उम्र में थे तो बहुत फंबल करते थे, लेकिन क्योंकि गाना अच्छा गाया तो कॉन्फिडेंस भी उतना आ गया ना। आई लव योर सॉन्ग, आई हर्ड इट, ये अभी सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस एज में सच ए यंग एज इज लॉन्च इन अ बिग वे, सो आई विश हिम ऑल द लक बिकॉज ही इज लॉन्ग विद मी। थैंक यू। क्लब की लॉन्चिंग है आज, एक नया गाना भी लॉन्च हुआ है सर का, दोनों के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो इनके जो मामा है वो बहुत, उन्होंने बहुत प्रचार किया है तो हम इसलिए इधर आए हैं, करण कपूर। और पहले मुझे लगा ये बहुत ही यंग है, लेकिन इसकी आवाज़, मैंने हल्की सी आवाज़ सुनी, इसकी आवाज़ बहुत मैच्योर है ऑनेस्टली, आई एम नॉट फेकिंग। मैंने अभी हल्का सा सुना, सो योर वॉइस इज़ वेरी मैच्योर, और टैलेंट की कोई एज नहीं होती, वो कहाँ से उभरता है कैसे उभरता है यू हैव नो आइडिया। सो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस एंड he is a promising guy, he's looking nice and he's just 18, which I couldn't believe, and his voice sounds like a 25-year-old. That's it. Thank you. And Cairo, इन्होंने बहुत offers के लिए बात की है, मैं offer लेने जरूर आऊँगा next time. Always most welcome, and we are inviting Mumbai for offers. Congratulations. Thank you. Rim है या rim, rim है क्या? Rim है, correct? So I pronounce it right. So Rim to Keshav. And Neha, my sister, she's a female singer. Neha, and to Neha. To Neha, to Keshav, to Cairo, to Reem, and to everybody for a lovely new venture, lovely new song. All the very best, and keep rocking. Thank you. यहाँ पे क्लब के लॉन्च पे आया है साथ ही आज म्यूजिक, इनका एक एल्बम लॉन्च है, कहीं ना कहीं सॉन्ग लॉन्च है तेरी आंखें, ये दो अलग अलग चीज़ें साथ में हो रही हैं, कितने एक्साइटेड है आप यहाँ पर आके? एक्साइटेड तो बहुत हूँ, क्योंकि भाजी बात ऐसी है ना कि आजकल यंगस्टर्स का ज़माना है, आप देख रहे हो वेब सीरीज आ रही है तो इनको देख के उल्टा, और आपने मुझे अगर आपने बना दी जोड़ी में देखा होगा, मैं 148 किलो का था, अभी 98 का हो गया, तो ये जोश ये लोग अपनी आँखों से मुझे डाल रहे हैं, तेरी आंखें जो म्यूजिक लॉज आज इनका है, बड़े क्यूट से हैं आपने केशव, तो इनके लिए मैं स्पेशल आया हूं, तो मुझे यहां आके और इनको देख के मुझे वैसे ही नशा चढ़ता जा रहा, तो आई एम इतना एक्साइटेड हूं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी भी कई बार रोकती है, अब आप बड़े हो गए अब प्लीज़ हेलो मत। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे यंगस्टर्स के बीच में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आज भी मैं 23 साल का हूँ, अगले साल मेरा 22वां बर्थडे होगा, सो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को, और मैंने इनका टीजर सुना तो मुझे तो अच्छा लगा है, सो आई एम एक्साइटेड, ऑल द बेस्ट, और ऐसी जगह के लिए भी जहाँ मैं आया हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।